अंकल जी मलाई चावल, इतनी नकलंगर, और वीडियो में बने रहना बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अंकल जी की मलाई चावल। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यार आज मैं आया हूँ क्या कहते हैं अपना तिलक नगर इलेक्ट्रिकल मार्केट। और पिछली बार भी मैं आया था फूड जंक्शन के नाम से, बट इस बार ही मैं आया हूँ दूसरी जगह जो कि यही अपना देखिए 7 मंजिला मंदिर है, उसके जस्ट पास में ही है अंकल हमारे जो कि लगाते हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया स्प्रिंग रोल। ये देखिए कुरकुरे मोमोज, कुरकुरी चाप, और सबसे स्पेशल है अंकल का बोटी टिक्का। तो उसकी मेकिंग तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, बाकी अंकल से मिलते हैं। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप बताइए, कैसे हैं? क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम अंकल जी है। अंकल जी है तो ये अंकल है, अंकल जी ने बड़ी अच्छी बात की, अंकल जी के नाम ही अंकल जी है। तो क्या खिलाओगे अंकल आज? स्पेशल स्पेशल बताओ स्पेशल। मैं तो स्पेशल खाने ही आता हूँ बस, जो आप बोटी टिक्का। चलो अच्छा, पनीर टिक्का भी है, पनीर टिक्का भी है। स्प्रिंग रोल आपका कैसा है? ग्रेवी वाला स्पेशल खाओ। ग्रेवी वाला, तो अंकल बता रहे हैं स्पेशल ग्रेवी वाला स्प्रिंग रोल है। तो मैं ट्राई करूँगा एक तो कुरकुरी चाप और दूसरा करूँगा बोटी टिक्का। तो आइए मेकिंग देखते हैं जल्दी से। ये है अंकल का छोटा सा सेटअप, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, और जहाँ अंकल इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाते हैं हमें। तो ये अंकल बना रहे हैं किसी के ग्रेवी स्प्रिंग रोल, और देखिए कितनी बढ़िया ही मतलब दिखने में लग रहा है ये, और इस पे आ गई क्रीम। भाई मेरे मुंह में तो पानी आ चुका है, हालांकि ये मेरा है नहीं ऑर्डर, किसी और का है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहे हैं ये स्प्रिंग रोल, और कहते हैं इनको ग्रेवी स्प्रिंग रोल विद मसाला। और अंकल जी के जो स्माइल है ना, बस उसने ही दीवाना कर रखा है, मतलब खाने का टेस्ट तो इतना बढ़ जाता है, खाने का टेस्ट तो तभी बढ़ता है जब अंकल अपनी स्माइल से बनाते हैं। और भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे तो। तो अंकल अब बनाने जा रहे हैं अपना बोटी टिक्का। बड़े हैं थोड़ा सा कट कर, इसको छोटा कर देते हैं। हाँ, आगे मसाला अच्छी तरह से मिक्सिंग मिक्स हो। ओके, अब ये होएंगे फ्राई। बिल्कुल, पहले आप हाफ डन करके रख दो। हाँ जी, हाफ डन करके, हाँ जरूरी है जी, कस्टमर जल्दी आता है। तो अंकल बातें तो होती रहेंगी, उसमें ये भी आप बताओ कि आपने मतलब कैसे शुरू किया और क्या इसके पीछे का मतलब स्टोरी है अपनी। ऐसा ही, पहले मेरी गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। अच्छा, हाँ हाँ ओके, सारी कंपनियों का माल बनाया हुआ है। अच्छा, बंद हो गई, मुझे खुद भी नहीं मालूम क्या कारण था, अच्छा क्या रीजन था, कुछ ना कुछ तो काम करना ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल, लग गए अपना हथियार उठाए, लग गए। तो आपको खाना बनाने का शौक था पहले से? पहले शौक कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, खाना ही खाता जी। अच्छा, तो खा के सीख लिया। हमें खाने का शौक, खाने का शौक था। मैं वीडियो में झूठ बोलूं जी, हमें ऐसा शौक था, हम ऐसे था, खाने का शौक था, खाने था तो फिर बनाना बनाना आ ही गया। मतलब आपने
स्वाद इतना ले लिया कि आपको वो सीसी आ गया। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है अंकल, सही बात। तो अपना पोटी टिक्का पेट पालने के लिए इंसान, बिल्कुल अंकल, अगर वो भी ना करे इंसान तो फायदा ही क्या। और अब तो जो भी खाएगा वो यही कहता है कि आपका ये शौक था बनाते थे बना रहे जो भी खाएगा वो यही कहेगा, वो यही कहेगा। मैं तो टेस्ट भी देता हूँ। वो तो अंकल देख, बनते हुए देख के इतना मजा आ रहा था खाने, मतलब मेरा ये था कि बस जल्दी से आए खाऊं उसको। तो ये आगे मेरी प्लेट, आगे ये आगे प्लेट। तो देखिए वेज ओनली फिश, अच्छा वेज ओनली फिश और कुरकुरी चाप, एक ही आइटम, दो नाम, जैसे आपके दो नाम हो गए मेरे दो नाम फ्राई अंकल अब हमारे लिए बनाने जा रहे हैं दो नाम वाली चाप। और ये मोमोज, ये कुरकुरे मोमोज, कुरकुरे मोमोज, पनीर कुरकुरे, तीन चार डाल दिए। प्रिपरेशन आप कब करते हो फिर? बिल्कुल खुद ही करनी पड़ती है। खुद ही करते हो? तो आप सुबह स्टार्ट करते हो? गए सुबह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता कि बैठ जाए दो मिनट चाय का कप रखा, हाँ। चालू हो जाते हैं। तो दस मिनट नहीं, नहीं। शाम में यहाँ कितने बजे? चार से दस। स्विगी अंकल से बात करके इतना मजा आ रहा था, और मतलब जो जिस स्माइल के साथ अंकल बनाए थे, अंकल ने अपनी स्टोरी बताई मुझे पूरी कि कैसे कैसे उनको मतलब ये काम शुरू करना पड़ा अपने गारमेंट्स के बिजनेस के बंद होने के बाद। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था, बट अंकल ने हार नहीं मानी। अंकल ने सिर्फ यही सोचा कि भाई कुछ काम नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा। तो यही सोच के अंकल ने जितना भी मतलब खाया था अपने, वो उस स्वाद को यहाँ सबके सामने दे रहे हैं। छोटा सा सेटअप है, बहुत ही प्यारा सा सेटअप है, और सच बताऊं खाने से ज़्यादा अंकल से बात करके बहुत मज़ा आया। तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहे खाने आए ना आए, बट अंकल से 10 मिनट बात ज़रूर करके जाएं। और अगर 10 मिनट बात करेंगे तो आपका बिल्कुल मन करेगा यहाँ पे कुछ खाने का, क्योंकि बहुत ही लाजवाब और टेस्टी अंकल बनाते हैं। और ये चाप बन के रेडी होगी क्रिस्पी, उसमें साथ में ये अनियन देते हैं, मसाला अनियन। देखिए कितनी मतलब बढ़िया लग रही है, क्रंची। और ये अब लग रहे हैं मोमोज, कुरकुरे मोमोज। मतलब आप जो आइटम उठा लीजिए सब बढ़िया है, बढ़िया। मतलब एक बार ही आओगे तो अगली बार ज़रूर आओगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि जो स्वाद है वो अंकल के हाथ में सच में बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ आइए और अपना प्यार दिए अंकल को, अंकल को सपोर्ट कीजिए। और सच बताऊं तो इस सपोर्ट से अंकल की बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि जिस शिद्दत से अंकल बना रहे हैं ऐसे कोई नहीं बनाता होगा। और अब लगने जा रहा, अब ये हो रही है कटिंग हमारे स्प्रिंग रोल की, बहुत ही गोल्डन ब्राउन स्प्रिंग रोल। और जो कटने की आवाज़, अपनी प्लेट बिल्कुल तैयार हो गई है, और अब इसकी पहली बाइट लेता हूँ और फिर आपको। इस चाप की खास बात बताऊं, इस चाप को जो अंकल ने बनाया है वो इसमें स्वाद है। मतलब जो अंकल ने इतने अच्छे से बना के दिए, प्यार से बना के दिया, वो स्वाद इस पर दे रहा है। और मतलब मसाले अंकल के जो भी है, मैंने नहीं पूछा क्या मसाला है क्या नहीं, बट जिस तरीके से अंकल ने मसाले डाले, चटनी डाली है, ग्रेवी बनाई है इसकी प्रॉपर, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो मैं एक और बाइट लूँगा। और इसको खा के बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि ये फ्राई किया गया है, ऐसा लग रहा है जैसे इसको रोस्ट किया गया है। चाप को सॉफ्ट है, बाहर से क्रंची है, अंदर से सॉफ्ट है,
बस जो नींबू की खटास मसाले जो मिले हुए अल्टीमेट लेवल के है। तो आइए तो अंकल थैंक यू सो मच, आपने इतना लाजवाब बहुत ही बढ़िया जायका है और ऐसे ही मैं आता रहूँगा और बाकी लोगों को भेजता रहूँगा आपके पास। थैंक यू सो मच।